Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Sir Naseem Zulfikar, and in this lecture today, I am going to solve the paper of St. Lawrence Government Girls College, Second Year English. So, aaj jo paper main solve karne wala hoon, this is actually for Second Year English, ke jo prelim paper hai for the year 2024. To is saal jo paper hua hai St. Lawrence Girls College mein, सेकेंडरी इंग्लिश का, उसके मैं जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर करने वाला हूँ. तो जो चीज़ें हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की, वो सब यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा, और बाकी चीज़ें भी मैं आपको शो करूँगा पेपर्स की कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं. तो सबसे पहले आपको पता है 20 MCQs होते हैं, तो नंबरिंग MCQs की यहाँ पर जो है वो एक डिफरेंट है, गलत हुई भी है. तो ये 20 MCQs हैं, सेक्शन ए से स्टार्ट हो रहा है ये. तो फर्स्ट है, मिसेस ओकेंटब हैड वेगर्ड अ बेट फॉर टैश पाउंड्स. तो मिसेस ओकेंटब ने कितने पाउंड्स की जो है वो शर्त लगाई. ये 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब के एमसीक्यूज हैं. सो 5 पाउंड्स इज द करेक्ट आंसर, कि वो 5 पाउंड्स जो है वो उसके लिए बैट के लिए, फिर वो अपने गाड़ी को फास्ट चला रही थी. सेकंड एमसीक्यूज है द टाइम आफ्टर द फॉल ऑफ डैश इज कंसिडर्ड एज स्टार केजेस. तो टाइम आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन्स, तो रोमन्स के जवाल के बाद जो है वो डार्क एजेस स्टार्ट हुआ. तो ये जो हमारा चैप्टर है रिफ्लेक्शंस, ये से एक एमसीक्यूज आया है, रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवीकनिंग ईस्ट बाय बर्टन रसल. थर्ड है, वास्को डी गामा एंड कोलंबस फॉर द पायनियर्स ऑफ न्यू वेस्टर्न इंपीरियलिज्म. ठीक है, तो ये वाला भी जो एमसीक्यूज है, दिस इज आल्सो फ्रॉम रिफ्लेक्शंस, के वास्को डी गामा और कोलंबस ये जो दो वॉयजर्स थे, उन्होंने न्यू वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को शुरू किया. फोर्थ है, बर्टन रसल इज वेरी वेल नोन फॉर हिज वर्क्स इन डैश एंड डैश. तो बर्टन रसल जो के ऑथर हैं रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवीकनिंग ईस्ट के, तो वो मैथमेटिक्स और फिलोसफी, इसके वर्क्स के लिए जाने जाते हैं. डी ऑप्शन करेक्ट है. फिफ्थ है, द बुक पास्ट एंड प्रेजेंट हैज बीन रिटन बाय. तो ये भी एमसीक्यूज रिफ्लेक्शंस चैप्टर से आपके पास आया है, कि जो बुक है पास्ट एंड प्रेजेंट, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखी थी, थॉमस कार्लाइल उनका नाम था, जिसमें उन्होंने उन प्रोटेस्ट के बारे में बताया था जो कि इंग्लैंड में हुए थे अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन. नेक्स्ट है, सिक्स्थ एमसीक्यूज है द रूमर ऑफ द ब्रोकन डैम. तो ये हमारे पास जो एमसीक्यूज आया, देड अ डैम ब्रोक, जो जेम्स थर्बर जिसके ऑथर हैं. ठीक है, तो ब्रोकन डैम र्यूमर कब शुरू हुई, 12 मार्च 1913 को हुई थी ये. ठीक, उसके आफ्टरनून में. सेवंथ है, व्हेन द र्यूमर स्प्रेड डैश वाज अनकॉन्शियस. जब र्यूमर स्प्रेड हुआ तो कौन बेहोश हो गए थे, किसको बेहोश कर दिया गया था, तो जो ग्रैंडफादर थे उनको जो है वो जेम्स थर्बर ने आयरनिंग बोर्ड मारकर उनको क्या कर दिया था, अनकॉन्शियस कर दिया था. तो ये भी डे द डैम ब्रोक के ही जो है वो एमसीक्यूज है. नेक्स्ट है, एमसीक्यूज 8 है, मारी सेलेस्ट इज द नेम ऑफ अ डैश. मारी सेलेस्ट किसका नाम है, दिस इज आल्सो फ्रॉम डे द डैम ब्रोक. तो मारी सेलेस्ट जो है वो एक शिप का नाम है, एक कश्ती का नाम था. ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड इज अ डैश. तो ये पाकिस्तान एंड मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर से ही है, जो लियाकत अली खान की एक स्पीच है असल में. तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा स्पीच. नेक्स्ट है, टेंथ एमसीक्यूज है, द वर्ल्ड एज आई सी इट इज आइंस्टाइन राइटिंग फॉर द डैश. द वर्ल्ड एज आई सी इट जो आइंस्टाइन के लिखा गया चैप्टर है, वो उन्होंने एक ले मैन के लिए लिखा, ले मैन से मुराद कॉमन मैन के लिए, एक आम इंसान के लिए लिखा है. नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ऑल द टाइम एट द टाइम ऑफ पार्टीशन पाकिस्तान वॉज आस्क्ड टू सेट अ स्टेट ऑफ डैश मिलियन पीपल. पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान को कहा गया कि वो डैश मिलियन पीपल के लोगों का एक रियासत उसको इस्टेब्लिश कर उसको बनाए. तो ये पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का एमसीक्यूज है बाय लियाकत अली खान. तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो उसके चारों एमसीक्यूज के आंसर ही गलत हैं. ये आंसर में हमारे पास इसका आंसर होगा 80 मिलियन पीपल. 80 मिलियन पीपल जो था उनको, उनका स्टेट उनको जो है वो बनाना था. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी वर आस्क्ड टू सेट अप अ न्यू स्टेट ऑफ 80 मिलियन पीपल विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स. ठीक है, तो ये यहाँ पर गलती है, एमसीक्यूज इज रॉन्ग एमसीक्यूज. नंबर 12 है, डैश डज नॉट डिसेंड अपॉन अ पीपल, अ पीपल मस्ट रेज देमसेल्फ्स टू इट. तो ये भी हमारे पास पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का जो है वो ये एक एमसीक्यू है, कि आज़ादी लोगों पर नाजिल नहीं की जाती, लोगों को अपने आप को आज़ादी के काबिल बनाना होता, तो लिबर्टी होगा इसके आंसर. ठीक है, तो लिबर्टी मीन्स आज़ादी. नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 13 है, डैश मीन्स फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस पॉवर्टी एंड डिजीज. ये भी पाकिस्तान एंड मॉडर्न वर्ल्ड का है.
तो फ्रीडम मीन्स आज़ादी के असल मायने क्या होते हैं? तो फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस, पॉवर्टी एंड डिजीज। 14th, वी कैन नॉट होल्ड द क्लॉक बैक एंड देयर फॉर वी इट इज वी हु मस्ट गो फॉरवर्ड एट अ डबल पेस। तो ये भी पाकिस्तान ने मॉडर्न वर्ल्ड का एक एमसीक्यूज है कि हमें दोहरी रफ्तार से अपने स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 15th, रजनाइल वॉज अलार्म बाय हिस प्रेजेंस इन सेंडा। तो ये नॉवेल से एमसीक्यूज है। तो रजनाइल वॉज अलार्म बाय हिस प्रेजेंस इन जेंडा। जेंडा में उसकी प्रेजेंस से जो रेजेंडाइल था वो अलार्म हो गया था, चूंकि वो जेंडा में मौजूद था। तो ये पुलिस चीफ इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन। 16th है, एंड अटैशे मीन्स टैश। अटैशे एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है डिप्लोमेट, एक सियासतदान। 17th है, इफ दे हैड ऑब्जर्व द सेफ्टी मेजर दे डैश सच अ कैटास्ट्रोफ। तो ये असल में ग्रामर से एक एमसीक्यू आया, थर्ड कंडीशनल इसको हम लोग कहते हैं। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है कि इफ के साथ जो क्लॉज आता है वो पास परफेक्ट का होता है, उसके बाद कॉमा के बाद जो क्लॉज आता है वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है। इसका ये डी ऑप्शन होगा, वुड नॉट हैव मेट। 18th है, जॉन मिल्टन कंपोज वर्सेस इन इंग्लिश एंड डैश। जॉन मिल्टन ने इंग्लिश में और लैटिन लैंग्वेज में, लातिनी जबान में उन्होंने वर्सेस को कंपोज किया। 19th है, द स्टार्स फाउट फॉर अस मीन्स डैश। तो ये भी नॉवेल से, जेंडा से, इस द स्टार्स फाउट फॉर अस, ये एक ईडियम है जिसका मतलब किस्मत, हमारी किस्मत अच्छी थी तो द लक वॉज ऑन अवर साइड। नेक्स्ट है, 20th एमसीक्यूज है, ही वॉज सर्विंग इन आर्मी ड्यूरिंग कोरियन वॉर इन डैश। ही से मुराद यहाँ पर है 20 मिनट्स का ये एमसीक्यूज है, 20 मिनट्स विद मिस टोकन टप, कि वो जो शख्स था कोरियन वॉर में वो आर्मी को सर्व कर रहा था जून 1953 में, 1953 में। तो ये सारे एमसीक्यूज हो गए बेटा। इसके बाद सेक्शन बी है हमारे पास, क्वेश्चन आंसर है। इसमें सब सेक्शन वन होता है, ये चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर है। सब सेक्शन टू है, ये हमारे पास जो है वो पोइट्री के क्वेश्चन आंसर्स हैं। सब सेक्शन थ्री में नॉवेल, वन एक्ट प्ले तो होता ही नहीं है भाई, नॉवेल। तो जो नॉवेल है प्रिजनर ऑफ जेंडा, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। एंड नेक्स्ट सब सेक्शन फोर हमारे पास जो है, दिस इज एक्चुअली, ये हमारे पास ग्रामर पोर्शन होता है। इसमें फ्रेजल वर्ब होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स को मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह से हमारे पास जो है वो वर्ड मीनिंग्स होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट्स के थ्रू आराम से कर सकते हैं। अगर आपको मेरे नोट्स रिक्वायर्ड है पीडीएफ में, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मुझे पीडीएफ की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन सी इसके बाद लॉन्ग या डिटेल क्वेश्चन आंसर में चार सवाल आते होते हैं। एक तो ऐसे होता है हमारे पास जिसमें प्रॉब्लम्स ऑफ कराची सिटी एक इंपॉर्टेंट ऐसे आया हुआ है। उसके बाद नरेशन होता है, पैसेज हमारे पास है, और एक प्रेसी बनानी है। अच्छा, प्रेसी नहीं आता हमारे पास, ये गलत आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है। पैटर्न के मुताबिक हमारे पास इसके अंदर आएगा कैरेक्टर स्केच, ठीक है, जो 10 नंबर का होगा, 10 मार्क्स का। प्रेसी या समरी राइटिंग नहीं आती। फिर ये उन्होंने जो पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज हमारा रिफ्लेक्शन से दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑन द रीविकनिंग ईस्ट। मीनिंग्स पूछते हैं इसमें एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन थ्री में, गिव मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। एक्सप्लोर्ड मीन्स ढूंढा, सर्च्ड, एबंडेंस मतलब बड़ी तादाद में, ह्यूज अमाउंट, मिनिस्टर्ड मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, तबाह कर देना। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है। 5 हमारे पास एक एडजेक्टिव है, हाउ हमारे पास ये एक प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन नेसेसरीज, ये हमारे पास एक नाउन है। तो ये चीज़ें आपको बतानी होती हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन आपके पास पैसेज या किससे रिलेटेड होते हैं। फिर एक क्वेश्चन चेंज द नरेशन है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना है, तो ये मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। फर्स्ट है, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। ही ऑर्डर्ड टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। नेक्स्ट, आई सेड टू हिम, आई एम राइटिंग अ नॉवेल, तो ये हो जाएगा आई टोल्ड हिम दैट आई वॉज राइटिंग अ नॉवेल, ठीक है। थर्ड है, अली सेट टू मी आई विल गिव यू अ स्टोरी बुक, तो ये हो जाएगा अली टोल्ड मी दैट ही वुड गिव मी अ स्टोरी बुक। फोर्थ है, द कमांडर सेट मूव फॉरवर्ड, तो ये कमांडर है तो कमांडेड आ जाएगा, द कमांडर कमांडेड टू
मूव फॉरवर्ड। लास्ट या फिफ्थ शी सेट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो ये हो जाएगा शी सेट दैट द अर्थ। अब चूंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, टेंस चेंज नहीं होगा, मूव्स राउंड द सन ही होगा ये, ठीक है। तो बेटे ये सारे मैंने इसमें आपको बता दी, ओवरऑल कंप्लीट ये पेपर था सेंट लॉरेंस का, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अल्लाह।